नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और सर्दी में आराम से रह रहे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का द उन्मिलन में। और हम मैथ्स पढ़ रहे थे, मैथ्स में हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ चुके हैं, मतलब एक क्लास हमने प्रॉफिट एंड लॉस का पढ़ लिया था। और आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की सेकेंड क्लास को करने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आगे चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने बेसिकली ये पढ़ा था कि परसेंटेज टू परसेंटेज का कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज की हेल्प से और रेशियो की हेल्प से कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। कोई फॉर्मूला हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। हम किसी भी चीज़ को खरीदते हैं उसे हम CP यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य बोलते हैं, और जिस पर हम बेचते हैं किसी सामान को उसे हम विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस बोलते हैं। इसी के बीच का अंतर जो है वो हमें प्रॉफिट या लॉस के बारे में बताता है। अगर ये ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, ये कम है तो लॉस होगा। इसी को कल हमने पढ़ा था, हमने कुछ और नई बात तो नहीं की थी, ठीक है। और चूंकि इसके एवज में हमें यानी कि इस पर हमें प्रॉफिट या लॉस होगा, तो हम कभी भी कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट और लॉस किससे करेंगे, इससे कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज रेशियो को हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, हमने उन्हीं कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करना है और कुछ नहीं करना है। सारे आंसर हमें तुरंत आते जाएंगे जो भी हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। हमने क्या समझा था? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा CP 100 है और हमने कोई सामान 100 रुपये में खरीदा, अगर 120 रुपये में बेचा तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ? 20 रुपये का। इसको हमने लिखा कैसे था? हमने लिखा इसको ऐसे था कि हमने 20 रुपये के प्रॉफिट पे बेचा, तो हमने 120 में बेचा उसे, 120 में बेचा, 20% प्रॉफिट। अब मैं इसको क्या, वो कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं परसेंटेज में ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ ना, 100% कोई सामान था, 20% प्रॉफिट हुआ और 120% पर बेचा। मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120% हो जाएगी, है ना। इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते थे? 20 से कैलकुलेट कर देंगे, 5, 1 और 6, कैलकुलेटर सीखा था ना फ्रैक्शन में। 20% को हम लिखते थे 1/5, यानी कि 1 जो था हमारा 20% की वैल्यू थी और 5 जो थी वो हमारी 100% की वैल्यू थी। 120% यानी कि हम पढ़ा था ना, 20% बढ़ा देते हैं तो 60% यानी 6/5 हो जाता है। सब हम पढ़ चुके हैं ना, मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा हूँ ना, फिर ठीक है। अब इसको इसी जो फ्रैक्शन में लिखा है इसे हम रेशो भी बोल सकते हैं। ये रेशो भी हो गया हमारा, यही तो रेशियो है हमारा। 20 से हमने कैलकुलेट कर दिया इस वैल्यू को, 20 से तो हमें 5/16 रेशो मिल गया। इसको हम किसी मल्टीपल में भी लिख सकते हैं, किसी मल्टीपल में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10, 2 और 12 कर सकते हैं, है ना। अब प्रॉफिट की जगह अगर लॉस होगा तो क्या होगा? अगर प्रॉफिट की जगह पर सपोज फर्स्ट करें, अगर हम लॉस होगा L, है ना, ये SP हो गया हमारा। 100 रुपीज की थी, 20 रुपीज लॉस हुआ, 80 रुपये। 20% कम होने का मतलब क्या था? वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80% पर हो जाएगी। रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 5, 1 और 4। 4/5 को क्या बोलते हैं? 100% बोलते हैं। 1/5 को क्या बोलते हैं? 20% बोलते हैं, सॉरी 4/5 को 80% बोलते हैं और 1/5 को 20% बोलते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं और इसी पर बेस हमने कल क्वेश्चंस किए थे तो आसानी से हम चीज़ों को समझ गए थे। तो आज हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा पहला प्रश्न क्या है आज का? बाई सेलिंग एन आइटम ऑफ रुपीज फॉर रुपीज 220 अ प्रॉफिट ऑफ 10% इज ऑप्टेन्ड इफ दिस आइटम हैड बीन सोल्ड फॉर रुपीज 2600 देन टेल द प्रॉफिट परसेंट। देखो, कोई आइटम आपने कितने में बेचा है? 2200 रुपये में बेचा है, कितना प्रॉफिट हुआ आपको? 10% का प्रॉफिट हुआ। अगर उसी आइटम को आप 2600 रुपये में बेचते तो आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट होता, ये पूछ रहा है। 2200 से ज़्यादा वैल्यू है ना, तो प्रॉफिट तो और ज़्यादा ही हुआ होगा। इस कॉमन सेंस की बात है, हम इसको समझ सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। हम अभी तक कैसे कर रहे थे क्वेश्चन को, हम पहले वो देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या समझा था? परसेंटेज वैल्यू दी थी कि 20% प्रॉफिट होता है तो 30% लॉस होता है, जो भी होता है ये सब हम कैलकुलेट कर चुके थे। इसमें क्या दिया है? एक सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी है, अगेन फिर सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी हुई है, है ना। इसको देख लेते कैसे हम अभी तक कर कैसे रहे थे। हम कह रहे CP हमारा जो था 100 था, हमें कितने का प्रॉफिट हुआ? 10% का, 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ होगा। 100 पे 100% प्लस 10%, SP हमारा कितना हुआ होगा? 110%, ठीक है। तो क्या कह रहा है? अब इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है? इसकी वैल्यू हमें दी है उसने 2200 रुपए। कितने टाइम से इसका, इससे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20 टाइम्स है।
अरे भैया 2200 को अगर हम 11 से 110 से कैलकुलेट करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 टू 22, 20 टाइम्स ही तो है। ठीक है, अब मुझसे क्या कह रहा है कि मुझे ये बताओ कि मुझे उस वैल्यू पे मुझे कितने का प्रॉफिट होगा जब मैं उसको क्या करता हूँ, मिट जा। हाँ जब मैं उस वैल्यू को 2600 रुपये में बेचता हूँ, 20 से मैं डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पे 20 की मल्टीपल में है तो 20 से डिवाइड करूंगा तो जिस वैल्यू से मुझे मल्टीप्लाई करना है वो मुझे मिल जाएगी। 20 से इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो वैल्यू कितनी आएगी, 13, 130 ही तो आएगी। अगर मैं 130 में 20 का मल्टीप्लाई करूँ तो 2600 मुझे मिल जाएगा, है ना। 10% का प्रॉफिट हुआ तो 110 हुआ, कितने का परसेंट का प्रॉफिट होगा तो 130 होगा, 30% का प्रॉफिट होगा, 30 ज़्यादा है इससे, सिंपल सी बात है, तुरंत आंसर आ गया कि परसेंटेज वैल्यू दी थी। ये कुछ तरीका समझ में आ गया। एक और तरीका इस क्वेश्चन को करने का, वो कितना आसान है, देखो उसको ये देख लेते हैं हम, क्योंकि जब हमें परसेंटेज वैल्यू नहीं दी होगी तो हम क्या करेंगे, रेशो लगाएंगे। जो हमने फ्रैक्शन टू परसेंट टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना सीखा है उसका इस्तेमाल करेंगे, वो कैसे करेंगे। क्या कह रहा है आपसे, SP1 और SP2 दिया हुआ है आपको। SP1 क्या दिया हुआ है, कह रहा है 2200 रुपये में पहले कोई सामान बेचते हो उसी सामान को 2600 रुपये में बेचते हो, यही तो कह रहा है। एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है। क्यों, हम इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सामान है वो तो एक ही है ना, कॉमन वही है ना, उसी को हम क्या कर रहे हैं अलग अलग टाइम्स में बेच रहे हैं, किसी पर किसी टाइम में, किसी पर किसी टाइम में बेच रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है उसी के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है। ये सेम रेशियो वाली ही बात तो है हमारी, क्या आएगा इसको हम कैलकुलेट करेंगे 2 से तो 11 और ये आएगा 13। ये 11 किसकी वैल्यू है, 11 जो वैल्यू है वो किसकी है, 10% प्रॉफिट का मतलब किसकी वैल्यू है, 110 की वैल्यू तो है। अगर आपसे कोई 10% प्रॉफिट, इसका मतलब क्या है, जो आपकी वैल्यू उसको आप 10% बढ़ा चुके हैं, लास्ट क्लास में यही तो पढ़ा था हमने, तो वो कितनी हो जाएगी, 110% हो जाएगा, इसकी वैल्यू ये है। 13 की वैल्यू क्या होगी, ये इसका कितना है, 10 की मल्टीपल में ही तो है, तो इसमें 10 का मल्टीपल कर दो, 130। 130% का मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी, 130% है। 130% सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है, हमारी कॉस्ट प्राइस 100% थी, 30% का अंतर है तो प्रॉफिट कितना होगा, 30% होगा। अरे मेरे मालिक, CP अगर आपका 100 रुपये है और ये आपका SP जो है आपका वो 130 है ना, कितने का अंतर है, 30 का ही तो अंतर है। जो भी अंतर होगा वही आपका प्रॉफिट या लॉस होता है, हमने पढ़ा था। तो चूंकि ये वैल्यू ज्यादा है तो ये प्रॉफिट है, अगर ये वैल्यू कम होती, अगर फर्ज करूं मैं, अगर ये वैल्यू कितनी होती है हमारी, 70 होती, तब भी 30 का ही अंतर होता ना, 30 का लॉस होता हमें। एकदम आसान है, कुछ नहीं है, मिट जा प्लीज, नहीं मिट रहा, ऐसे तो मिट जाओगे। ठीक है, समझ में आया ना, एकदम आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम इस तरीके से कर रहे थे। मैंने ये तरीका आपको इस वजह से बताया कि जब आपको परसेंटेज की वैल्यू ना दी हो, आपको केवल वैल्यूज दी हो, जैसे आप जो क्वेश्चन हम करेंगे उसमें क्या होगा, ये वैल्यू दी रहेगी। अभी तक क्या था कि हमें परसेंटेज वैल्यू दी थी तो हम परसेंटेज से कैलकुलेट कर ले रहे थे, या तो हम परसेंटेज से वैल्यू निकाल लें या वैल्यू से परसेंटेज निकाल लें, बात तो एक ही है ना, है ना, या तो हम इससे वैल्यू को निकाल लें। वैल्यू निकालने से मतलब है, ये सब हम परसेंटेज और रेशियो में पहले पढ़ चुके हैं, एकदम आसान है भाई बच्चों, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इसलिए इसको परसेंटेज को हमने पहले पढ़ा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगले प्रश्न में क्या है हमारे में, कह रहा बिपिन बॉट अ टॉय ऑफ ₹1200, ही स्पेंट ₹200 ऑन रिपेयरिंग इट, ही सोल्ड इट फॉर ₹61680, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। अपोलॉजीज, देखो क्या कह रहा है, विपिन ने पहले ही कुछ खरीदा, कोई सामान खरीदता है 1200 रुपये का, 200 रुपये उसने उसकी रिपेयरिंग पे खर्च किए और उसको उसने 1600 हाँ 1680 रुपीज़ का बेच दिया, तो उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पर तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, कुछ नहीं पूछ सकता उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा और कितने परसेंट का होगा, है ना, प्रॉफिट या लॉस जो भी बोलना चाहिए, यहाँ पर सीधा सीधा बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंट है निकालना है आपको। तो अब आपकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, ये 1200 होगी, अपोलोजीज, ये 1200 होगी या क्या होगी। देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जो भी प्रोडक्ट हम परचेज करके ला रहे हैं और हम उसे जितने का वो हमें पड़ रहा है, ये पेन मुझे अगर 10 रुपये का पड़ रहा है और मैं इसे अगर 12 रुपये में बेच रहा हूँ तो मुझे 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। मेरा प्राइस, मेरा मेरा जो जितने का मुझे पड़ेगा, जो मुझे पड़ेगा उसी की एवज में तो मैं प्रॉफिट निकालूंगा या लॉस निकालूंगा। 10 रुपये का मुझे पड़ा है ना, और फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने 8 रुपये में बेच दिया तो मुझे 2 रुपये का लॉस हो गया, यही तो लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, सिंपल सी बात है। तो ये कितने का पड़ा उसे पेन, 1200 रुपये का तो उसने खरीदा था,
फिर 200 रुपये उसने किस पर खर्च किए, 200 रुपये उसने उसकी मरम्मत पे खर्च किए, रिपेयरिंग पे खर्च किए, कितने का पड़ गया उसे, 1200 और 1400 रुपये। भैया उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 1200 और प्लस 200 रुपये जो उसने खर्च किए कितनी हो गई, 1400 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस होगी, 1400। कितने का बेचा उसने, 1680 रुपये का बेचा। ये वैल्यूज ही हुई हैं। अब एसपी और सीपी के मल्टीपल में ही प्रॉफिट होता है, मल्टीपल में ही लॉस होता है, ये किसी ना किसी के मल्टीपल में ही तो है आपस में, तो हम वो रेशियो निकाल लेंगे यहां पे। इसका रेशियो क्या आएगा, 14, 10, 14, 1 और 2, 10 रेशियो 12। अगर हम चाहें तो इसे एक बार और कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 by 5 और 2 6, 5 by 6 आ जाएगा, बट 10 से हमें किसी वैल्यू को कैलकुलेट करना आसान रहता है तो हम उसे उसी में बना रहने देते हैं। कितना ज्यादा है ये इससे, 2 ज्यादा है, कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, ज्यादा है तो क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। 2 upon 10 कितना होगा, 20%। 2 upon 10 को हम क्या पढ़ते हैं फ्रैक्शन में, 20% ही तो पढ़ते हैं। 2 upon 10 कहूं या फिर मैं 1 upon 5 कहूं, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, यही तो मैं कह रहा हूं, एकदम आसान है। इसको आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, इसको एक बार और काट दो अगर किसी वैल्यू से, फाइव और सिक्स कर सकते हो, कितने का है, 1 upon 5 कितना होता है, 20% होता है ना, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, जिसे चाहो वैसे कर सकते हो। 1 upon 5 क्या होगा आपका, 20% होता है, यही तो हमने परसेंटेज में पढ़ा था, फर्स्ट क्लास से ही तो पढ़ते आ रहे हैं कि ये वैल्यू हमारी 100%, ऊपर वाली वैल्यू जो उसकी परसेंटेज वैल्यू है, एकदम आसान है, कुछ नहीं है, तुरंत हो गया। बस हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, हमें उसमें कंफ्यूज नहीं होना एकदम से। जो प्रश्न कह रहा है, कोई भी सामान हम जो भी परचेस करके लाएंगे, जितने का हमें पड़ेगा उसी के हिसाब से ही मुझे उस पर प्रॉफिट या फिर लॉस होगा। टिफिन की जगह पर मैं क्या करता हूँ, खुद को रख लेता हूँ, मैंने 1200 रुपये पहले 1200 रुपये की मैंने ये पेन खरीदा, फिर 200 रुपये मैंने इसकी रिपेयरिंग पे लगाए, तो मुझे ये पेन कितने का पड़ा, 1400 रुपीज़ का पड़ा, 1400 रुपये का ही तो पड़ा, फिर मैंने इसको बेच दिया, अब मुझे उस पर प्रॉफिट क्या होगा, मैंने कैलकुलेट कर लिया, मेरा आंसर आ गया, 20% इज माई आंसर। 10 पे निकालने में एडवांटेज क्या है, 10 से वो तुरंत निकल जाता है, 10 से 10 100 का मल्टीपल है ना, इसलिए तो 10 यहाँ पर 0 लगाते हैं, 20% होता। ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे चाहो वैसे कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे, एकदम आसान है, कुछ नहीं है। रेशियो परसेंटेज दोनों को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 360। देखो अभी तक क्या था, अभी तक हमको कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस दी हुई थी, या प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया हुआ था, ये प्रॉफिट परसेंट है, लॉस परसेंट है, तो हम कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस निकाल रहे थे। फिर लास्ट टाइम उसने क्या किया, उसने हमें 2 सेलिंग प्राइस दी कि इस पर बेचा तो क्या होगा, इस पर बेचा तो क्या होगा, ये वैल्यू निकालो, वो वैल्यू निकालो, दुनिया भर की पंचायत कर रहा था तब से। अब क्या कर रहा है, अब चालाक हो रहा है, वो चालाक कैसे हो रहा है, डिफरेंस दे रहा है, किसके बीच में, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में अंतर दे रहा है, कितने का अंतर है, 360 रुपीज का अंतर है। इफ द प्रॉफिट इज 20% देन वॉट इज द सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस आपको कैलकुलेट करनी है, सेलिंग प्राइस आपको निकालनी है। इसको मिटा दूं मैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने इस पेन को खरीदा, इस पेन को मैंने बेच दिया, जो खरीदने और बेचने का मेरा अंतर वो कितना है, 360 रुपीज है, और मुझे इस प्रक्रिया में 20% का प्रॉफिट हुआ है ना, तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360, 20% 360 हो गया तो 20% यानी कितने टाइम्स हो गया उससे, 18 टाइम्स। क्या सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस कितनी होगी आपकी, 120%, 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो 12 into 18 करोगे कितना आएगा, समझ में नहीं आया, करके देखा देते हैं। देखो इस क्वेश्चन को एकदम आप 2 सेकंड में निकाल लोगे, आप पेन भी नहीं उठाओगे, एक बार समझ जाओगे तो जो क्या कह रहा है। पहले हम एक तरीके से समझते, ऐसे हम करते हुए आ रहे हैं, क्या कह रहा है, परसेंटेज वाली वैल्यू है आपकी, कोई वैल्यू है जिसको आपने 100 रुपीज में परचेस किया, आपने प्रॉफिट लिए 20%, आपकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी, यही होगी। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो कितना है, 360 है, यानी कि वही तो प्रॉफिट है आपका। प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस ही तो आपका प्रॉफिट होता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस ही तो आपका लॉस होता है, क्योंकि आपने ज्यादा बेचा तो आपको प्रॉफिट हुआ है। तो क्या कह रहा है, इस 20% की वैल्यू कितनी दी है उसने, 360 दी हुई है,
आपसे क्या निकालना है, आपको ये वैल्यू निकालना है 20% ये है तो इसके कितने टाइम्स है, 18 टाइम्स है ना, 18 से गुणा कर दूं तो निकल जाएगा ना, 120 के कितने गुणा करना होगा मुझे, 18 से इसमें ही मल्टीप्लाई करना होगा, 2160 आ जाएगा, 18 टू जा 36 का 6 कैरी 3, 18 वन 18 और 3 21, 18 दूनी 36, हाँ से लगी 3, 18 कम 18 और 3 21 है ना, एकदम आसान है, कितना आसान है एकदम समझो, समझ में आया है ना। देखो मालिक 20% को अगर मैं यहाँ ले जाऊँगा तो 1% किसके बराबर होगा, 360 अपॉन 20, ठीक है, मुझे निकालना क्या है 120% किसके बराबर होगा, 360 अपॉन 20 इंटू 120। अब जो इसके मल्टीपल में आएगा उसका मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे वैसे ही वो वैल्यू मुझे वैसे ही मिल जानी है, ये सब हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। अब मैं इस क्वेश्चन को करता कैसे, एग्जाम में कैसे करता, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, मैं एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे करता, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता, मुझसे क्या कह रहा है डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब मैंने क्या पढ़ा, डिफरेंस ही मेरा क्या होता है प्रॉफिट या फिर लॉस होता है। अगर आपको इतना कैलकुलेट आपको करना नहीं है तो आप ऐसे एक लाइन लिख भी लोगे तब भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, 10 सेकंड जाएंगे आपके मैक्सिमम, क्योंकि एग्जाम में आप ये थोड़े लिखोगे सीपीएसपी, सीधा लिखोगे ना 120 20% की वैल्यू 360 दी 120 वैल्यू 2160 आ जाएगी। अगर आपको ये नहीं भी लिखना है तो उसको आप वैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, 20% जो डिफरेंस है आपका वो किसके बराबर है, 360 के बराबर है, क्योंकि जो आपका प्रॉफिट होता है या जो आपका लॉस होता है वही तो आपके प्रॉफिट और सॉरी सीपी और एसपी के बीच का अंतर होता है, आपके विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अंतर वही तो होता है आपका लाभ या आपकी हानि, तो यहाँ पर लाभ की बात है तो लाभ का अंतर वही होगा 20, उसका अंतर यानी 20% की ही, क्योंकि 20% का उससे प्रॉफिट हुआ है तो डिफरेंस 20% के बराबर ही तो होगा, 120% निकालना है क्योंकि 20% प्रॉफिट हुआ है तो मेरी वैल्यू 120% ज़्यादा होगा यानी कि वो 120% होगा, सीपी मेरा 100% है उसमें 20% का प्रॉफिट होगा तो मेरी एसपी कितनी होगी 120% होगी, है ना, यही तो होगा, यही तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिर ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन बैट इज ₹180, 180 रुपए दिया है, इफ द प्रॉफिट इज 20% देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैट। अब देखो या प्रॉफिट दिया हो या लॉस दिया हो आप उससे कैलकुलेट तो कर ही सकते हो, मैं प्रॉफिट वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, लॉस वाले क्वेश्चन आप करके देख लेना या फिर मैं आपको दे दूंगा करने के लिए, आपको तरीका समझ में आ जाएगा इस तरीके को मैं कैसे करूंगा। 20% का प्रॉफिट हो रहा है यानी कि 20% की वैल्यू किसके बराबर है, 180 के बराबर है, इसके कितने मल्टीपल में है, ये 9 मल्टीपल में 29 9 टू 18, 20% का प्रॉफिट हो रहा है मतलब कितना निकालना है मुझे, 120% निकालना है, 120% कितना होगा 12 9 10 8, 1080 होगा, यही तो होगा है ना, सेलिंग प्राइस निकालना है। अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो कॉस्ट प्राइस कितनी होती मेरी, 100% होती यानी कितनी होती 900 रुपये होती, 900 प्लस 180 यानी कि 1080 है ना। अब आप अगर वैसे करना चाहो तो वैसे कैसे कर सकते हो, एकदम से आसानी से सीपी लिखा आपने 100 लिखा, प्रॉफिट कितने का हो रहा है आपको 20% का हो रहा है यानी कि आपकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, आपकी सेलिंग प्राइस होगी 120, 20% की वैल्यू कितनी दी है आपको 180, कितने टाइम्स है 9 टाइम्स है, 29 2 से 0 2 9 18, इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दो 12 9 108, 0 से 0 1080 आंसर आ गया, एकदम आसान है कुछ नहीं है, 20% का मतलब ये और ये ऐसे वैल्यू उसी तरीके से आनी है, जैसे जाओ वैसे निकाल लो है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोई फॉर्मूला वर्मा नहीं याद करना है, समझना है सिंपल सी बात है, एक बात हमको समझ लेनी है अपनी बुद्धि में क्या कि प्रॉफिट यानी कि लाभ, लाभ मेरा क्या होगा, अगर मेरा जो जो चीज़ मुझे जितने की पड़ी है मैंने उससे ज़्यादा की बेची तो मुझे लाभ होगा, जो चीज़ मैंने जितने की खरीदी उससे मैंने कम पे बेची तो मुझे हानि यानी कि लॉस होगा, और मुझे हानि या फिर लाभ प्रॉफिट या लॉस किसके एवज में होगा, किसकी किस वैल्यू पे होगा, जिसको जिसको मैंने खरीदा या जितने की मुझे पड़ी है, यही तो होगा, एकदम आसान है तुरंत हो जाएगा। ठीक है कोई डाउट है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये सब वो क्वेश्चंस है ना, आपने अगर इनकी एक बार प्रैक्टिस करके देख ली तो आप इनसे आपसे कभी गलत नहीं होंगे, और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की यहाँ पे देखोगे तो आपको हमेशा लगेगा मैं तो तुरंत कर दूंगा, तुरंत कुछ नहीं होता है करने में, इसको 10 सेकंड ही लगेंगे आपको केवल, बस 10 से 20 सेकंड में उसका तुरंत आंसर आ जाएगा, पेन भी नहीं उठाना होगा आपको, इसको आप बिना पेन उठाए कर लोगे,
है ना, बिना पैन उठाए कर लोगे। क्या कह रहा है, वेन एन आर्टिकल सोल्ड एट 15% प्रॉफिट एंड लॉस 17% लॉस होता है, द डिफरेंस ऑफ रुपीज 96 इन इट्स सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, 15% के जब आपने इसको प्रॉफिट पे बेचा और जब आपने सेलिंग प्राइस यानी कि इसको 17% की लॉस पे बेचा, और तब क्योंकि जो आपने बेचा है तो वो आपकी 2 SP की वैल्यू है ना, यानी कि ये 15% के प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया 115, और ये 17% लॉस का मतलब क्या हो गया 100 में से 17 जाए कितना बचेगा 83। तो 83 और 115 के बीच का जो डिफरेंस है उस परसेंटेज की वैल्यू की तो नहीं आ जाएगी, 96 आ जाएगी। और मुझे निकालना क्या है, इफ इट इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट देन फाइंड द सेलिंग प्राइस, और 10% के प्रॉफिट पर यानी कि मुझे 110 की वैल्यू निकालनी है। समझ में आया जो मैंने कहा, ये अब हवा में निकल गया ऊपर से। देखो ध्यान से देखा, जो हमने अभी तक पढ़ा है वही है, ये सीपी मेरा 100 हो गया, 100% है, मुझे 15% का प्रॉफिट हुआ, तो मेरा SP1 क्या रहेगा, जब मैंने पहली बार उसको बेचा होगा तो 115 रुपये, फिर मुझे लॉस हुआ 17% का उसी आर्टिकल पर, ठीक है, तो मुझे कितने का पड़ेगा SP2 मेरा कितना हो जाएगा, 100 में से पहले मैंने 15% का प्रॉफिट लिया था, अब मैं 17% का लॉस लूंगा, कितने का हो जाएगा 83 का, यानी कि 115% और ये 83%, यही तो होगा। अगर मैं प्रॉफिट 15% का ले रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, 15% बढ़ा रहा हूँ, यानी 115% कर रहा हूँ उसको, यही कर रहा हूँ ना मेरे मालिक, कुछ तो और तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये अंतर कितना है, 15 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 और 3, 32% की वैल्यू कितनी दी है 96, निकालनी कितनी है, कह रहा है कि मुझे 10% का प्रॉफिट ला के दो, यानी कि 110 में मुझे वैल्यू बेचनी है, यही तो होगा 110, कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, 3 क्या होगा 330 रुपीज, आंसर कितना आसान है। इसको बिना पैन उठाए कैसे कर सकते थे, इस क्वेश्चन को बिना पैन उठाए कैसे कर सकते हो आप, मतलब दिमाग में ही कर लोगे इसको, कैसे कर लोगे, 15% प्रॉफिट यानी कि 115 और 17% लॉस का मतलब 83, 115 और 83 के बीच का डिफरेंस कितना होगा 32, 32 की वैल्यू कितनी दी है 96, 32 कितने परसेंट 96 होता है 3 टाइम्स है ना, और फिर मुझे निकालना क्या है 10% प्रॉफिट यानी कि 110 की वैल्यू निकालनी है, वो कितनी होगी 110 × 3 यानी कि 330। इसको करने में 10 सेकंड लगेंगे अधिकतम, कितना 115 ठीक है माइनस, सीधा मैं करता जो जो मुझे लिखना होता, मैं क्या लिखता 83 लिखता, कितना आया 32%, यही डिफरेंस है, यही प्रॉफिट है, लॉस यही होगा, जो भी होगा मुझे उसकी वैल्यू 96 दी हुई है और मुझे 110 की वैल्यू निकालनी है, ये 3 टाइम्स है तो ये 330 हो गया, ये आ गया मेरा आंसर, है ना, एकदम आसान है, कुछ नहीं करना, ना कोई बेस वैल्यू निकालनी है, ना ये निकालना कितने में पड़ा था, जो पूछा है वही निकालना है बस। हम अभी तक क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम वही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछेगा मैं वही निकालेगा बस, कोई फालतू पंचायत नहीं करूंगा मैं, सबसे आसान से आसान तरीका, हर एक क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके होते हैं, ये मैं एकदम इसको इस तरीके से कर रहा हूँ ना, परसेंटेज को मैं रेशियो में कन्वर्ट कर दूंगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा, थोड़ा टफ हो सकता है आपके लिए पड़ जाए, है ना, पहले मैंने वो करके देखा परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन करने का, बट वो लग रहा कि आप लोग थोड़ा उतना कन्वीनियंट नहीं हो उसमें, इसमें ज़्यादा कन्वीनियंट हो आप लोग, इसको कर लेते हैं ट्राई, है ना, क्यों क्यों ही कन्वर्ट करना, सीधा सीधा सिंपल सिंपल सी बात है। अब ये मैं इस वजह से लिखता हूँ, प्रॉफिट हुआ फिर लॉस हुआ सिनेरियो वन सिनेरियो तो क्या कुछ समझ में आए, मैं तो सीधा लिखूंगा सीपी एसपी 100 115, फिर इतने हो जाता तो 83, ऐसे ऐसे हो गया, ये लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये वैल्यू लिखने की जरूरत थोड़ी ना है मुझे, फर्जी में लिख रहा हूँ मैं, टाइम जा रहा है उसको लिखने में मेरा, ये आपको समझाने के लिए लिखी जा रही है ताकि आप समझ पाए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपको, है ना, मेरा अनुमान यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या कह रहा है, डिफरेंस पे क्वेश्चंस किए हमने अभी तक, अभी तक क्या था लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था हमें, ये दिया हुआ था कि अगर जो है हमारा डिफरेंस दिया, तो डिफरेंस ही हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है, यानी डिफरेंस ही वो वैल्यू होती है हमारी
जो वैल्यू में कैलकुलेट करनी होती है। सिंपल सी बात है, यही पढ़ते आ रहे थे। अब देखो क्या कह रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ लॉस और प्रॉफिट। क्या निकालना है आपको? लॉस और प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है कि आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। ऐसा कुछ रेशो में पढ़ा था क्या हमने, 2a = 3b, कुछ याद आ रहा है क्या मुझे? कैसे? अच्छा ऐसे करते हो, कैसे करते हो आप लोग? ऐसे या ऐसे या ऐसे, ऐसे कुछ करते होगे ना। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है 40 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस ही ऑफ लगा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स यह भी ऑफ लगा है। कहाँ है ये? हिंदी में 40 लेखों की विक्रय मूल्य, 50 लेखों की लागत मूल्य या फिर क्रय मूल्य है ना, के बराबर है। मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेरे आर्टिकल्स की कॉस्ट क्या है मुझे नहीं पता। मैं ये मान लूं कि मैंने 40 आर्टिकल्स, अगर एक आर्टिकल जितने में बेचा होगा उतना ही मैंने 40 आर्टिकल्स उस मल्टीपल में बेची होंगी, क्योंकि उसी के हिसाब से तो मुझे कैलकुलेट करना है। और क्या कह रहा है? कॉस्ट प्राइस यानी कि 50 आर्टिकल्स, क्या यही कह रहा है? क्या ये मैंने कुछ ऐसा लिख दिया जब आपको समझ में नहीं आया? नहीं आया तो दोबारा समझ लेते हैं, इसे मिटा दूं मैं, तो मुझे खाली खाली अच्छा लगता है, ज्यादा भरा भरा मुझे पसंद नहीं है। क्या कह रहा है? 40 आर्टिकल अगर मैंने सपोज कोई आर्टिकल अगर ₹1 में खरीदा या बेचा होगा, है ना, मुझे नहीं पता मैंने कितने में खरीदा कितने में बेचा, मुझे वो पता ही नहीं है, तो वो क्या कह रहा है? उसका SP जो भी मेरी एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस होगा 40 से उस पर मल्टीप्लाई करना का, वही 40 का होगा। वो किसके बराबर है? वो मेरे 50 आर्टिकल ऑफ कॉस्ट प्राइस के बराबर है। हमने ऐसा रेशो में पढ़ा था मेरे मालिक मित्र, या नहीं पढ़ा था? 2a = 3b क्या पढ़ा था हमने? a/b = क्या होगा? ये b नीचे आएगा, ये इधर रहेगा, 3/2, यानी कि a/b क्या होगा? 3/2। ऐसा ही सेम पढ़ा था ना रेशो में, और हमने क्या पढ़ा था? ये भी सब भी क्या है आपस में, ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस सब क्या है? सब बकवास जो भी है वो सब क्या है? रेशो में ही तो है। रेशो निकाल लेंगे तो तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। इसको हम वहां भेज देते हैं, SP/CP 50/40 5/4। अब मैं SP = 5 है, CP = 4 है, यानी कि CP = 4 और SP = 5, क्योंकि आपको यह समझ में ज्यादा अच्छे से आता है, यही तो है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, कैसे? इन्वर्स कर दिया, कुछ अंदर तो नहीं आया ना, एक ही बात है। CP = 4, SP = 5 कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। ये ज्यादा है या कम है? सीपी मेरा कम है, एसपी मेरा ज्यादा है। ठीक है, तो ज्यादा है तो मुझे क्या हुआ? मुझे प्रॉफिट हुआ। और कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का। किस पर हुआ? 4 पे। 1/4 क्या होता है मेरा? 25% होता है। आंसर 25% मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। यही तो मैं अभी तक पढ़ते हुए आ रहा हूं, ऑप्शन में है क्या? हाँ, 25% गेन या प्रॉफिट, एक ही बात। कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, ये सब रंग दिया है, इसको मिटा दूं पहले मैं, रुक जाओ। देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपसे साफ साफ कह रहा है कि जो आपका सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स, यानी कि जो आपने सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि जिस कीमत पर आपने 40 आर्टिकल बेचे, उसी कीमत वैसे ही आपने क्या किया, 50 आर्टिकल उसी के बराबर वाली कीमत पर आपने खरीदे होंगे, यही तो कह रहा है ना। जिस प्राइस पर आपने 40 आर्टिकल्स को बेचा, जिस पैसे पर, सपोज आपने ₹100 में अगर आपने 50 आर्टिकल खरीदे थे, है ना, ₹100 में अगर आपने 50 आर्टिकल खरीदे थे, तो ₹100 में आपने क्या किया, 40 आर्टिकल बेच दिए, यानी आपको 10 आर्टिकल का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, यही तो कह रहा है ना। ठीक है, ये हमने ऐसे ऐसे कैलकुलेट कर लिया, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसको करते हुए जाना है। ये हम प्रॉफिट रेशियो में पढ़ते हुए आए और तुरंत हमारा आंसर आ गया, ठीक है, है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है? अब देखो इसको क्या हम तुरंत रेशो में कन्वर्ट यहीं पे कर सकते थे, क्या जो हमारे आर्टिकल हैं एसपी, मिट जा, क्या एस
सीपी और एसपी का रेशो कैसे निकाल सकते थे? जो हमारा आर्टिकल है कितना है, ये है हमारा 50 आर्टिकल है, ये 40 है, इनकी प्राइस का रेशो क्या होगा, 4/5 होगा। कैसे भी निकाल लो, ये आसान ज़्यादा है तो ऐसे मैं निकाल रहा हूँ अभी, क्योंकि यही हम पढ़ते हुए आए। वो आपको सीधा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता आपके लिए, आपको कन्फ्यूजन नहीं चाहता हूँ। अब एक स्टेप को करके देखो, तुरंत करो। अब जब आप समझ जाओगे तब सीधा क्या करोगे, इसको वहाँ वैसे सीधे भेजोगे। एस पी के सामने 50 लिखा हुआ है तो एस पी के सामने 5 आएगा, सी पी सामने 40 लिखा हुआ है तो ये 40 आएगा, ये 5/4 होगा, सीधा निकाल लोगे, एक आंसर आ जाएगा 1/4, 25% आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ द आर्टिकल ऑफ इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल। सेम क्वेश्चन है, बस क्या है वैल्यू थोड़ी सी बदल गई है। क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल्स की, 7 आर्टिकल्स की यानी कि 7 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 8 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस के। मैं क्या कर दूं इसको, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, सीपी के सामने 7 लिखा हुआ है और एसपी के सामने 8 लिखा हुआ है ना। इसका मतलब क्या है, सीपी रेशो एसपी क्या आएगा, 7:8। अपने मन से तो लिख दिया मैंने, हाँ नहीं ना, कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। क्या ज्यादा है, सीपी ज्यादा है या एसपी ज्यादा है, सीपी हमारा कम है एसपी हमारा ज्यादा है, मतलब हमें क्या हुआ इस पूरे ओवरऑल प्रक्रम में, हमें घटनाक्रम में प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ मुझे कितने, किस पर, सीपी पे प्रॉफिट मेरा कितना परसेंट हुआ होगा, 1/7। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, फ्रैक्शन में परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 1/7 को हम क्या कहते हैं, 14/2/7%, यही तो कहते हैं ना, 14/2/7%। ऑप्शन में है क्या, पॉइंट्स में दिया हुआ है तो 14 यही है ना, 14 पॉइंट बाद में जो भी आएगा वो कैलकुलेट करते रहना आराम से, ये आंसर हो गया आपका, ये ऑप्शन में है, एकदम आसान है, कुछ नहीं है। 7 सेलिंग प्राइस, 8 कॉस्ट प्राइस, ये इसका रेशो निकाल लेंगे सीपी एसपी, एक तुरंत आंसर आ जाएगा, तुरंत झटके में, एक झटके में आंसर आ जाएगा। अब अभी मैं यहां ऐसे कर रहा हूँ, आप एग्जाम में कैसे दिखाओगे, अच्छा एसपी 7 दिया है, ठीक है 7 आर्टिकल्स का है, सीपी 8 आर्टिकल्स का है, जैसे हो जाएगा 8/7 यानी कि 7/8, ओके 7 कॉस्ट प्राइस, 8% 1/7, 1 का अंतर है, 1 प्रॉफिट हो गया, 1/7 का मतलब 14/2/7। आप लिख लेना, मत करना ऐसे, ऐसे नहीं करना, ऐसे लिख के कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, 10 सेकंड लगेगा ऐसे लिख कर करो, 10 सेकंड लगेगा बस, 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन को पढ़ने के तुरंत बाद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, हमने क्या देखा, हमने अभी तक क्या देखा कि डिफरेंस था, हमें क्या दिया था, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, मतलब हमें एक परसेंटेज की वैल्यू का डिफरेंस दिया हुआ था, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, उसके क्वेश्चन हमने किए। फिर हमें क्या दिया था कि हमने ये इतने इतने में खरीदा है, इतनी वैल्यूज को, उतनी वैल्यूज में हमने उस वैल्यू को बेचा है, यानी कि 8 आर्टिकल को 7, 7 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और 8 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर है, या फिर उल्टा बोल दिया, 8 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 7 आर्टिकल कॉस्ट प्राइस के बराबर, जो भी है आप मान लो, प्रॉफिट और लॉस उसी हिसाब से होगा आपको, तो मुझे उससे वो निकालना था। अब क्या है, अब मुझे यहां पर क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट की वैल्यू दी हुई है शायद, देखो क्या कह रहा है, बाई सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लोथ राधे, राधे मतलब राधा, राधा राधे राधा, रमा रमे रमा, द्विवचन राधा ने, कॉस्ट पैसा संस्कृत नहीं पढ़ते आप लोग, अच्छा छोड़ो हिंदी पढ़ते हो, हिंदी पढ़ना, राधे हम कर्ण को भी बोलते हैं, उनकी माता का नाम राधा था, राधे है ना, बाई सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ राधे, राधे इंसान का नाम है, राधे गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 11 मीटर ऑफ कॉस्ट प्राइस। देखो यहां पर वो ये नहीं कह रहा है कि ये कीमत जो है उस सेलिंग प्राइस की है, वहां पर ऑफ वर्ड मेंशन था, की वर्ड क्या था, मेंशन था, 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए, उसका प्रॉफिट परसेंट बताना है आपको, है ना, यही कह रहा है ना क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, आपने कोई चीज बेची आपने, ठीक है, कितनी बेची आपने, वो कह रहा है कि आपने 33 बेची, उस पर आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 11 का प्रॉफिट हुआ, मतलब आपने कोई चीज 33 रुपीज में अगर आपने उसको बेचा, खरीदा, सॉरी 33 चीजों को बेचने पर जितने में आपने उसको खरीदा था उसका 11 वस्तुओं का आपको प्रॉफिट हो गया, मतलब अगर आपने ये 33 रुपए की खरीदी होती
तो आपको कितने का प्रॉफिट होता, 11 रुपीज का प्रॉफिट होता। क्या मैं समझ पा रहा हूं, क्या मैं ही समझ पा रहा हूं या आप भी समझ पा रहे हैं? बता देता हूं बच्चों, इनमें लैंग्वेज के अलावा कुछ है नहीं है। बस अगर आपने लैंग्वेज को समझ लिया ना, तो क्वेश्चन आपसे यूं हो जाएंगे, तुरंत कर लो क्वेश्चन को, कुछ करना है नहीं इसमें। क्या है देखो, आपने बाई सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ, मतलब आपने है ना कुछ कपड़ा खरीदा होगा, वट एवर जो भी खरीदा हो आपने, सपोज आपने 33 मीटर कपड़ा खरीदा 1 रुपए के हिसाब से, ठीक है, आपने उसे बेच दिया। यहां पर बेचने जो बेचा है ना उसकी प्राइस नहीं दी हुई है, यहां पर वो क्या कह रहा है कि 33 मीटर आपने कपड़ा खरीदा, 33 मीटर आपने बेच दिया, आपको प्रॉफिट कितने के बराबर हुआ, 11 मीटर कपड़े के बराबर का प्रॉफिट हुआ। मतलब अगर आपने वो कपड़ा जो है 33 रुपए का खरीदा होता, अगर 1 रुपए का कपड़ा खरीदा होता, आपने 33 रुपए कपड़ा खरीदा होता, तो प्रॉफिट कितना होता आपको, 11 रुपीज का प्रॉफिट होता ना। अब समझ में आया या नहीं आया? अब आ गया होगा मेरा अनुमान है। क्या कह रहा है, इसका रेशो निकाल लो, 3 रेशो बनाया, ये सीपी है और ये प्रॉफिट है, एसपी नहीं है। एसपी क्या होगा हमारा, 3 और 1 4 हो जाएगा, इसी का अंतर तो होता, क्योंकि ये प्रॉफिट, अगर लॉस होता तो 3 1 2 हो जाता। अब क्या कह रहा है, मुझे ये बताओ कि टेल हिज प्रॉफिट परसेंट निकालो, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट ये है, यही तो अंतर है दोनों का, तो 1/3 कितना होता है, 33 होल 1/3% हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या, ये रहा, एकदम आसान बात है, कुछ नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन में क्या था, इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं तुरंत इसके बाद ही इस क्वेश्चन को रखा है। यहां पर क्या कह रहा था, सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल्स, यानी कि क्या 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 है ना, 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि वो जो वैल्यू थी यहां पर, उस वैल्यू की बात कर रहा था। यहां पर सेलिंग टर्म्स में यानी कि जो शब्द लिखा हुआ है बेचकर राधे को, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, मिक्स नहीं करना है। यहां पर वो सेलिंग प्राइस की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि इतने सामान को बेचकर, उसने पैसे की बात नहीं की है कि ये 33 मूल्य के बराबर होगा, नहीं ऐसी बात नहीं की है उसने, इसको लैंग्वेज को समझना है। वो कह रहा है कि आप 33 मीटर कपड़ा लेकर आए, तो 33 मीटर आपने बेच दिया, आपको प्रॉफिट कितना हुआ, उस 33 मीटर में से 11 मीटर जितने कपड़ा आपको पड़ा उतने का प्रॉफिट हुआ। तो मैं ये मान लूँ कि 33 मीटर कपड़ा यानी 33 रुपये का मुझे पड़ा होगा फॉर एग्जाम्पल, और मैंने उसको कितने, मैंने प्रॉफिट उस पर क्या कमाया, मैंने उस पर 11 रुपीज का प्रॉफिट कमाया, यही बात तो है। ये मैं तुरंत आंसर आ गया, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, उसको देखते हैं। ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, बाई सेलिंग 31 मीटर ऑफ क्लॉथ, राधे गेट्स ऑफ 11 मीटर ऑफ कॉस्ट प्राइस, सेम क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को आपको घर से करने के लिए देता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसमें मैं, चेंज क्या कर दूँ मैं, ऑप्शन क्या क्या है आपके पास में, 50%, 33 होल 1/3%, 25% और 10%, ठीक है। मैं इसमें ऑप्शन थोड़े से चेंज, ऑप्शन के हिसाब से आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, हाँ ठीक है। बाय सेलिंग 40, रुक जाओ पहले इसको मिटाना होगा मुझे, इसको मिटाना होगा, ठीक है, अब मैं इसको कर दूंगा चेंज, ग्रीन ही ठीक है, हाँ कितना, 40 मीटर कपड़ा बेचा और 10 के बराबर से प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग निकालना, इसको मैं हिंदी में ही बदल देता हूँ, इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। कितना है, 40 मीटर और 10 मीटर, ठीक है, ठीक है, इसको करना, ट्राई करना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, एकदम आसान है। क्या कह रहा है, 40 मीटर कपड़े को आपने जब बेचा होगा है ना, या बेचा होगा, तब कितना प्रॉफिट हुआ होगा आपको, 10 मीटर के कपड़े की कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ होगा। प्रॉफिट तो आपको हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होता है ना, लॉस जब कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। आप 40 मीटर कपड़ा लेकर आए, जो 40 मीटर लेकर आए थे उसी में जितने का 40 मीटर लिया था उसी में 10 मीटर के बराबर का आपको प्रॉफिट हुआ है ना, और आपने उसको बेचा हुआ, तभी तो प्रॉफिट होगा, उससे पहले तो प्रॉफिट होगा नहीं आपको, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा,
आफ्टर सेलिंग 25 आर्टिकल अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 लैक्स. अच्छा, इफ ही बॉट आर्टिकल वर्थ रुपीज 800 देन फॉर हाउ मच वुड बी ही सोल्ड देम. 25 लाखों को बेचने के बाद एक दुकानदार को 5 लाखों की लागत मूल्य. अरे यार शिट, ये भी थोड़ा सा यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है. यहाँ पर आर्टिकल होगा, कुछ ना कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है ऐसे तो, है ना. यहाँ पर क्या होगा, आर्टिकल्स. अब कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को और ये तुरंत हो जाएगा. आफ्टर सेलिंग 25 आर्टिकल शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स. लगभग ऐसे ही क्वेश्चन है. इफ ही बॉट आर्टिकल्स वर्थ रुपीज 800, देखो वहां पर क्या दिया था, लास्ट टाइम क्या दिया हुआ था आपको, प्रॉफिट परसेंट निकालना था. अब वो यहां पर क्या दे रहा है, यहां पर वो कह रहा है कि ये आर्टिकल आपको इतने के पड़े, देन फॉर हाउ मच वुड वी ही हैव सोल्ड देम. यहां पर आपको कॉस्ट प्राइस तो दी हुई है, यहां पर वो ये निकालना है और आपकी आपने उसे कितने में बेचा. आप 25 आर्टिकल खरीद कर लाए, ठीक है ना. 25 आर्टिकल आप कितने में खरीद कर लाए, 800 रुपए में खरीद कर लाए थे, है ना. अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपने इसको जब बेचा होगा, जब आप इसे बेचेंगे तो आपको 5 आर्टिकल के बराबर, जितने का आपको 5 आर्टिकल का कॉस्ट पड़ा उसके बराबर का आपको प्रॉफिट हुआ होगा. आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो आप ये निकालो कितने परसेंट का आपको प्रॉफिट हुआ होगा, वैसे इसको निकाल लोगे. बहुत लमझम में नहीं पढ़ना है कि इसको इससे कैलकुलेट करेंगे, फिर हम 1 आर्टिकल की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर 5 आर्टिकल से डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर निकालेंगे. नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, सिंपल निकालना है. कैसे, देखो क्या कह रहा है. सीपी आपकी 25 आर्टिकल्स की, प्रॉफिट आपका 5 का 1/5 का प्रॉफिट हो गया, यानी कितना हो गया 25%. अब क्या पूछ रहा है, ये आपका प्रॉफिट है तो आपका एसपी कितना होगा, 5/16. अरे भैया कोई आर्टिकल आपने 5 रुपए का परचेज किया, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, आपको 6 रुपए का प्रॉफिट तो होगा. ये हमने रेशो निकाल लिया, यहां से आंसर आ गया तुरंत हमारा. अब क्या कह रहा है, 5 की वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, 800 के बराबर दी हुई है. कितने टाइम से, इससे 5 1 3 5 6 30, 16 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 160 से, भाई वैल्यू आ जाएगी. 16 6 कितना होता है, 96. ये झटके में आंसर आ गया, आ गया. आपको बच्चों किसी कैलकुलेशन में, किसी फॉर्मूला के चक्कर में नहीं फंसना है. आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे. बस आपको लैंग्वेज को समझना है और आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है. अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की ना, आपने सोचा ये तो तुरंत है तो ऐसे ही कर लूंगा, वहां पर क्या होगा, आप समझ नहीं पाओगे कि मैंने इस क्वेश्चन को किया कैसे था. आप क्या करोगे, पहले 25 आर्टिकल से एसपी वैल्यू निकालोगे कितने का पड़ा है, फिर आप सोचोगे कि फिर आप 5 आर्टिकल की वैल्यू आप उस हिसाब से कैलकुलेट करोगे, फिर 30 आर्टिकल से इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, वैसे भी आ जाएगा. बट ये हम उसी तरीके को फॉलो करते हुए, काम करते हुए आ रहे हैं, है ना. एकदम आसान है, कुछ नहीं है. बात तो वही, हमने रेशो निकाला, वैल्यू को छोटा कर लिया, डिवाइड करें तभी वैल्यू भाई बड़ी रहती, छोटी वैल्यू कर ली, 5 1 6 6 9 6 0 आंसर आ गया 2 सेकंड में. इस तरीके को हम निकालते हुए आ रहे थे, है ना. कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, मेरा अनुमान है कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वो सब आपको समझ में आया होगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, है ना. हमने ये सब जो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है इसको करना है, ठीक है. इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको. मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, ये एसपी है, एसपी क्या क्या किया हमने, हमने ये सब समझा था, तुम लास्ट क्लास में समझ चुके थे, दिख रहा है ना, ठीक है ना. हमने ये क्वेश्चन किया, यहाँ पर हमें लास्ट टाइम हमें क्या दिया था, परसेंटेज वैल्यू थी, यहाँ पर हमें वैल्यूज दी हुई थी, वैल्यू से हमने रेशो से निकाल के ऐसे निकाल लिया, ऐसे भी निकाल सकते थे, ऐसे निकाल लिया, ठीक है. जब परसेंटेज दिया हुआ तो परसेंटेज से निकालेंगे, जब वैल्यूज दी होंगे तो रेशो से निकाल लेंगे, है ना. अरे देखो ये सब सेम वैल्यूज दी हुई थी, हमने ऐसे करके कैसे करके इसका प्रॉफिट निकाल लिया, एकदम आसान तरीके से निकाला. ये हमने ऐसे निकाला,
यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ था, है ना। अब मैं क्या करूँगा नेक्स्ट टाइम से, मैं इसको 20 को ही लिखूंगा, नहीं 20% ये है, वो 20% क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई सीधा ये वैल्यू आ गई, है ना। 20% बढ़ा दूंगा तो मेरा 20% वैल्यू हो जाएगी, वही होगा ना, ठीक है। तो ऐसे ही हमने ये सारे क्वेश्चन को देखा और समझा कि आर्टिकल्स वाले हैं। धीमे धीमे हम सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे जो भी आपको कराए जा रहे हैं, आप सभी कर चुके हैं और समझ चुके हैं। तो इन सारे क्वेश्चन का PDF आपको मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो, और वहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और क्वेश्चन जो आपको कराए जा रहे हैं उनकी आप प्रैक्टिस करते रहें, इतना उलझने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस आप करते रहें, जैसे आपके एग्जाम थोड़े से कुछ हो जाएंगे, कुछ चीज़ें हो जाएंगी, तो वैसे ही हम आपके लिए PYQ सीरीज लेकर आएंगे। जो जो टॉपिक हमने पढ़े हैं, हम दरअसल क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेटजीज के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, पहले परसेंटेज पढ़ा, फिर रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा, हम उनके एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, हमारा परसेंटेज भी रिवाइज हो जाएगा, हमारा रेशियो प्रोपोर्शन भी रिवाइज होता रहेगा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उनके हम PYQ यूज़ कर लेंगे और फिर हम और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे और एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से हो जाएगा, ठीक है। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।